इतना जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं, अरे भीख मांग रहा है जिसका बाप कहे जमीन लोग भीख मांग रहा है, ताकि इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है, ये लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। ये लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में, ये लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में, ये लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में, आज रात को लड़ता है पत्नी से। यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है। बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए हैं, अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो एक लाइन देख ले, अगर जमीर जिंदा हो तो आज अपन आपके जिंदा करा कि राज हमिक लगाए ककरो बाप के ना लगाए आज। और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रहे कि 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो ख्वाब में मत रहेगा, इसके आपके सामने इस बार पारस आपका टाइगर खड़ा ठीक है। कौन जीएम है, हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं, पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं, हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद अब तक क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंचे, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली के फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है, जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना, उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाए। जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। अब से हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा, हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग एक दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में, और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, और मैं आपका स्वागत भी करता हूं कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंधरी क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगें कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंधरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और एक निवेदन भी करता हूँ, यदि आप पर किसी ने प्रेशर बढ़ाया लाठी चार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने, या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते। इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन वायदे में चुकी आप ड्यूटी में बंद जाते हैं, और ऐसा आपको प्रतीत होगा अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंधरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांग रहे हैं, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा, अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपस कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय, इसे गलत रूप में नहीं ले, अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। यदि आप पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं, आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो, अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बोला मेरे स्तर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब ऑन दी स्पॉट लिया जाएगा। आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्थे खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं है, जान ले लीजिएगा तकलीफ नहीं है लेकिन घायल मत कीजिएगा, ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय जो सिंधरी में नए नए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपकी पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम ऐसे प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीन गई है आप इस बात को ध्यान रखें, जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है, 25%
हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारत एक संवैधानिक देश है। आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए, बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा, ग्रामीणों का होगा, झारखंडों का होगा। आप 25% दुनिया के किसी कोने से ले आइए, हमें आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, हम रोक टोक नहीं करते हैं, रोक टोक करने का आदि है। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको पार होगा तो पार हो जाओ, 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा, झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा गुलाम हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं। फिर आप बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है, इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है, इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, आपका गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं कि चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इनको इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखते रहे डीएसपी साहब में डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली, एक गोली, हम 5 गोर खून ले, हम देख लीजिए प्रबंधन, बोले ना इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है, डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, जरा मत छाती ठोंक के कहता है, एगो हम लेंगे और बाकी एगो हम जाएंगे, और अगर 5 को तैयार हो जाएंगे फिर डीएसपी क्या करेंगे, फिर डीएसपी क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, या फिर कितने पुलिस लोग हैं, 100 गो, 100 गो है ना भाई, चलिए उनके हाथ में AK-47 है या फिर बड़का बंदूक है, बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तबे लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। दुनिया का इतिहास है गोलियां तभी सही लगी है जब वो पीठ दिखा के भागा है, अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक है, उसके पास बंदूक नहीं है, दतवन तो है, चाबाई तो पारे। आज जलिया वाला बाग हमें शर्म होता है, आज जब जलिया वाला बाग की कहानी को सुनते हैं हमें शर्म होता है कि आज मात्र कितने लोग थे अंग्रेज गोली चलाने वाले, 100, 150, 200 लोग थे, हमारे भारत के लोग कितने थे, 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना कि जितने लोग हैं जितना बंदूक में गोली नहीं है उससे 4 गुना हम लोग हैं, अगर मरना ही है तो कुआं में डूब के और भाग के कहे, जिधर से गोली आ रहा है उधर दौड़िए, एक-एक को लेके चलिए। कुछ और होता, इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन, इन गोलियों की बोछार से मत डराइएगा, कब तक डराइएगा, झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना, बचा क्या है झारखंड में। इसलिए आज इस बात को कभी मत मद्देनजर रखिएगा कि ये लोग हम लोग डरते हैं, ये नया जमाना है, आप इस भूल में कभी मत रहिएगा, हम लोग शांति से आए हैं, आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है, गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं, यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है, वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को CSR फंड के तहत यहाँ स्कूल की स्थापना होगी, यहाँ कॉलेज की स्थापना होगी, यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना होगी, यहाँ खेल के मैदान की स्थापना होगी। और आज आप अगर मुकर रहे हैं, यानी आप लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप दगेबाज हैं, इसलिए अगर
कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई अपराधी है तो कंपनी के भीतर जो पदाधिकारी हैं वे लोग अपराधी हैं। अगर कानून का हाथ लंबा है, बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया है। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड के सिंधी ने जमीन लिया है, पूरी दुनिया में जमीन लिया जाता है, लेकिन जमीन लेने के बदले क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के तहत जो लोग जमीन दान देते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको नियोजन में रखा जाता है और नियोजन को रिपीट किया जाता है। क्योंकि अगर ये जमीन हमारे पास होती, इन जमीन पर अगर हमारा अधिकार होता तो बाप के बाद बेटा भी इसमें हल चला के अपना रोजी रोजगार करता, उसके बाद उसका बेटा भी यहाँ रोजी रोजगार करता। इसलिए यदि आज कोई मुकर रहा है इस वादे से तो कंपनी मुकर रही है। और याद रखिएगा, आज बेशक आपके पास शक्तियां हैं, आज बेशक आपके पास पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन याद रखिएगा सिकंदर की सेना में जितने महारथी थे उतना आपके पास नहीं है। वह सिकंदर भी खाली हाथ लौटा है, इस बात को याद रखिएगा। बस लौटाने वाला जो है उनमें जिद नहीं आई है। जिस दिन झारखंड के लोग जिद्दी हो जाएंगे और ये समझ लेंगे कि जान तो हमारी ऐसे जा रही है, अगर ऐसे ही जा रही है तो लड़कर जान दी जाए, फिर याद रखिएगा झारखंड में किसी भी कंपनी में जो दलाली होती है उसे बंद करना होगा। और ये आज हम लोग प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, आने वाले समय में आपको जो रैयतों की मांगे हैं उन्हें पूरा करते हुए काम करना होगा, नहीं तो ऐसी कंपनी को रखने का कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल ये माननीय न्यायालय का आदेश है, यदि कंपनी ने जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर कोई योजना नहीं बनी है, अगर कंपनी काम नहीं कर रही है तो राज्य सरकार की जो विधानसभा होती है उसका कर्तव्य होता है, उसमें शक्तियां होती है कि सारी जमीन रैयतों को चिन्हित करके वापस करना चाहिए। आज यहाँ इतना बड़ा एलोड्राम का मैदान पड़ा है, उस मैदान को भी वापस करने का ये अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चूंकि ये लोग मुर्दा हो चुके हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, ये लोग भाई भाई से लड़ते हैं, जितने लोग कंपनी से लड़ने का सोचेगा, यहाँ जयराम सिंह का पैदा होगा भाई, उसका बाप का जमीन नहीं गया है, यहाँ कलियापुर का माफिया पैदा होगा और होना ही चाहिए। कोयला में एलबी सिंह और ये एसीसी में जयराम सिंह यादव, जिनका एक इतना जमीन नहीं गया है, यही तो झारखंड की दशा है। कहे कि झारखंड के लोगों में डर समा गया है, और मरने के डर से अच्छा है लड़िए। आज किसी भी गांव में चले जाए जहां कोयला का खदान है, वहां क्या परिस्थिति है। आज हम लोग का औसत आयु 55 साल है, हमी के बाप दादा नाय कर 80-90 साल बाचाल है, बाचाल है कि नहीं। आज हमी 50-55 में खत्म हो रहा कि नहीं, तो मोरे को ऐसी मर रहा है, कैसे डर के कोनो फायदा हो, कोनो फायदा हो इतने से डराई के, तो जी एन एच आर खचार जे भी नाम का आएगा तो डराई के फायदा हो। अरे सबसे ज्यादा डर पुल का एक नहीं लगो, एक बार तो हिम्मत करना, एक बार खाली हिम्मत कर, सबसे ज्यादा डर पुल का एक नहीं लगो। अगर एक डर पुल का ना रहा तो लो इतना बड़ा बड़ा गुंडा इतनी पाई के ना जाते, सबसे बड़ा डर पुल का कंपनी नवा है। लेकिन चूंकि हमने अपन अंदर के शक्ति के बहुत नजरअंदाज करके रख ले है, तो देखिए हमारी जो भी कंपनी है, कंपनी के प्रबंधन है, एसीसी के, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आज 23 सालों में जो झारखंडी के, हर झारखंडी के सीने में जो पीड़ा है, जो दर्द है, आज हर झारखंडी उबाल लेकर बात करता है। नहीं तो आप किसी भी राज्य में चले जाए, हाल ही फिलहाल हम लोग रोंगटा में धरना दिए थे, वहां एक सरदार भी आएगा, सरदार में लोग बहुत दिल का साफ होता है, वो आया बेचारा, आपने देखा, बोला क्या बात है, बोला नहीं यहाँ कैंसर से वो बच्चा मर गया, बोला यार इतना गलत काम यहाँ होता है, यही कंपनी है रोंगटा फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है, वहां जीरो पोल्यूशन में काम होता है, और आपके यहाँ इतना पोल्यूशन है कि एक बच्चा कैंसर से मर गया। कहे ना झारखंडी लोग कहे ना कहे अपने आप की शक्ति को भूल चुका है, झारखंडी लोग लड़ने के तरीकों को भूल चुका है। आज हम लोग आपस में इतने बढ़ चुके हैं,
इतने बढ़ चुके हैं कि आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ये लोग हमें समय समय के साथ मारते हैं और ये बहुत चालाकी के साथ हमारी हत्या करते हैं। इसलिए हत्याओं के दौर को रोकना होगा। अब हमारी हत्या नहीं होनी चाहिए, और हमारी हत्या क्यों होगी? ये जमीनें हमारी, ये खेत खलिहान हमारा, ये गांव हमारा, ये सीनरी हमारा, हत्या हमारी क्यों होगी? इन्होंने समय समय में मारा, अगर हम एक एक करके नाम गिनेंगे तो कई रात कई दिन बीत जाएंगे। हम आपको साल बाय साल गिनाते हैं। 1977 सबसे पहले कंपनी ने, अगर सबसे पहले किसी में हत्या कत्ल हुआ था तो टाटा कंपनी की सांठगांठ में, टाटा कंपनी का जीएम का माध्यम से सबसे पहला मर्डर किसी का हुआ था तो सही शक्तिनाथ महतो भारी चाल की करनी है। लेकिन हम लोग फिर भी चुप करते हैं, क्या हुआ? दो दिन रोए, आंसू बहाए, उसके बाद फिर 10 साल बाद 77 के बाद 1987 का समय आता।